इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस को बुधवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में एक नाइजीरियन युवक को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से करीब 1 लाख नकली अमेरिकन डॉलर भी बरामद हुए हैं। अन्नपूर्णा थाना प्रभारी सतीश द्विवेदी ने बताया कि शहर के गांधीनगर में रहने वाली करीब 72 साल की बुजुर्ग महिला की शिकायत पर पुलिस ने नाइजीरियन युवक बेनेडिक्ट को हिरासत में लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 1 लाख के नकली अमेरिकन डॉलर जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पिछले कुछ सालों से वो एक साउथ अफ्रीकन महिला से चैटिंग करती थी। इस दौरान मारिया को इंदौर की महिला ने अपनी गरीबी बताई तो उस अफ्रीकन महिला ने एक इंसान के जरिए अमेरिकन करेंसी इंदौर भेजी। वहीं पैसे लाए युवक ने जब कहा कि ये नोट एक विशेष केमिकल से धोने के बाद ही असली बनेंगे और केमिकल लाने के लिए उसे मुंबई जाना पड़ेगा, ये कहकर युवक ने इंदौर की बुजुर्ग महिला से 25,000 रुपयों की मांग। इसके बाद महिला को शक हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जो है ये इंदिरा गांधी नगर के हैं, ये 73 ईयर ओल्ड है। रिपोर्ट करने थाने आए थे कि इनसे एक स्वीडन की महिला है, उनसे इनकी चैटिंग होती थी मारिया रिक्की। तो उनसे बातचीत हुई तो इनने बताया कि वो रिच मैन नहीं है। तो उनने बोला कि ठीक है, हम 1 लाख डॉलर भेज देते हैं अपने एजेंट से। तो 3 दिन पहले इस आदमी ने, जिसको पकड़ा है बेनेडिक्ट नाम का आदमी, ये बोला कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। और ये आज इनके घर आया, ये लेने गए थे स्टेशन पर, और जब घर आया तो ये नोटों को दिखाया कि 1 लाख डॉलर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और लेकिन बोले इनको धोना पड़ता है तब ये डॉलर बनते हैं। तो बोला कि इनको धोना पड़ेगा, तो वो समझ गए कि ये कुछ जो है इसमें लफड़े हैं। तो उनने एक आदमी उनको बातों में लगा लिया और वो आ गए मेरे पास यहाँ सूचना देने की, भाई ऐसा ऐसी है। तो उनकी रिपोर्ट पर अपराध कायम करके, और वहाँ जब मौके पर गए तो विदेशी नागरिक बेनेडिक्ट पकड़ाया है, जो साउथ अफ्रीका का पासपोर्ट है उसके पास, उसकी जाँच की जा रही है। और 10 गड्डियाँ जो है जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है 100-100 डॉलर की, वो जब्त हुई हैं। और उसका अटैची और कुछ दैनिक उपयोग का सामान, बेल्ट वगैरह। और जब फरियादी कौन है? फरियादी जो है इसमें सुभाष लामा है, जो कि व्यवसायी है, टेंट का व्यवसाय करते हैं। महिला कौन थी और कहाँ की थी, जिससे इनकी बात चल रही थी? ऐसा हो सकता है महिला हो सकता है कोई और हो, लेकिन महिला बन करके और उनसे चैटिंग करते थे, जो कि मारिया रिची नाम की। इनको इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कराना था क्या डॉलर में? नहीं, उसने बोला कि मैं आपको डोनेट कर रही हूँ, आप भी रिच मैन हो जाइए। शिकायत के बाद आखिरकार पुलिस ने नाइजीरियन युवक को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर से न्यूज के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट।